बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है अब्दुल्ला बिन अबी सरा, ये साबिया रसूल हैं और ये हज़रत उस्मान के दूर शरीक भाई भी थे और ये रसूल खुदा के वही का कातिब भी थे और कभी कभी शरारत से गफूर रहीम की जगह पर अलीमुन हकीम भी लिख दिया करते थे। जब लक़द खलकनल इंसाना मिन सलालता मिन तीन नाजिल हुई तो इसको इंसान की हालत पर सख्त ताज्जुब हुआ, तो इसकी ज़बान से रसूल अल्लाह के फरमाने के कबल तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकिन निकल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि इसको भी लिख लो, ये भी कुरान की वही है। उसने लिखने को तो लिखा मगर शक में पड़ गया और अपने जी में कहने लगा कि अगर सच्चे हैं कि इन पर वही नाजिल होती है तो मुझ पर भी आती है, और अगर ये झूठे हैं तो मैं भी इनकी तरह कुरान बयान कर सकता हूँ। गर्ज़ वो मुर्तिद हो गया और अहले किताब के पास जाकर कहने लगा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल मालूम हो गया है कि वो अपने जी से आयतें बना लेते हैं और वही का दावा करते हैं। इस नाशायस्ता हरकत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मदीने से निकलवा दिया और हज़रत उस्मान ने बहुत सिफारिश की मगर रसूल खुदा ना माने और बिलाखिर इनको बदर कर दिया गया। लेकिन जब रसूल खुदा का इंतकाल हो गया तो हज़रत उस्मान ने इन्हीं को खिलाफत के वक्त अपनी मिस्र का हाकिम बनाया। ख़त्म होता वाक़या।